विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा, महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बुनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है, इंक्लूसिव बजट भी रहा है। इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सबके कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूं, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। भारत प्रफुल्लित है भले ही विपक्ष नाराज हो, भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है भले ही विपक्ष नाराज हो।